के बाद एक लगातार वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं पहले तीन तिगाड़ा टीम ने तू भी रोएगा इमोशनल सॉन्ग लॉन्च किया जिसकी काफ़ी चर्चाएं हुई और अब एक और ममता शर्मा ने वीडियो सॉन्ग बनाया है तीन तिगाड़ा टीम को लेकर जिस गाने का बोल है रंग बरसे होली नजदीक है और ये वीडियो काफी धूम मचा रही है ममता शर्मा की सोने पे सुहागा था हमारे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कोलैब हमारे लिए तो लोगों को भी बहुत मजा आया पहली बार हमें नया अवतार में देखने मिला उनको हम पहली बार लोगों को हंसा रहे नचा रहे रुला नहीं रहे तो लोगों ने हमें इसमें भी प्यार दिया हम ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे इस वक्त 1 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं तो आई एम वेरी ग्लैड आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड थैंक्स टू माई गॉड बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये करने में क्योंकि ऑफकोर्स जैसे कि भावन ने बोला कि कुछ अलग किया है हमने डांस किया फॉर अ चेंज बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये करके और मैं तो बहुत डरी हुई थी सच बताऊँ तो क्योंकि मेरा थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है तो मैंने तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी और ऊपर से मैं दिल्ली से भी हूँ तो होली के मेरे बहुत नाइटमेयर वाले वो है किस्से हैं बट बहुत ही अच्छा शूट हुआ बहुत प्यारा शूट हुआ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई बहुत मज़ा आया एक मतलब लाइक एक अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे इस बार होली का अब मैं होली ज़रूर खेलूंगी तो मेरा तो यही था कि हम रो रो के इतने मतलब थक गए थे एक्टिंग कर करके करके मतलब कि आज फाइनली हम सेलिब्रेट करेंगे मज़े करेंगे रंग लगाएंगे एक दूसरे को भांग पियेंगे जो भांग तो विशाल ने पी ली विशाल का विशाल वो जरा एक्सप्लेन करो ना इनका किस्सा विशाल तो मैं पीऊंगा भांग भांग पीने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे को भांग मेरा भांग का शॉट ना पता नहीं कुछ ना कुछ करके वो शॉट हम लोग का तो कुछ चेंज हो गया मतलब हाँ। मेरा भांग का शॉट कैसे चेंज हो सकता भांग तो चाहिए मेरे को होली में भांग नहीं मिला तो और वैसे भी वो भांग था नहीं पर उसने पिया वो भी पता नहीं कच्चा दूध पिया तो सबसे पहली बात जब जी से ये हुआ कि होली कर रहे हैं मतलब अच्छा ठीक है होली का सॉन्ग है ऊपर से पता चला कि ममता जी का सॉन्ग वाला अरे क्या बात क्या बात है उसके बाद से जब जैसे भाभी ने बोला कि शान जी भी इसमें शामिल है चलो अब तो ये तो फिर मतलब क्योंकि करना ही है शान जी के गाने पे ये दोनों लिपसिंग कर रहे थे तो इनको तो ऐसा मजा ही आ गया वाला मैं तो हमेशा से कर रहा हूँ चांद सितारे मैं तो हमेशा से कर रहा हूँ वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना गाना हमें लोग इस रूप में भी अपनाएंगे अपनाएंगे क्योंकि हम लोग बस रुलाते हुए नजर आए हमेशा तो एक पता एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि इनका गाना आएगा तो बुलाएंगे हमने तो बोल दिया आप बताओ कि आपको हमारे साथ कैसा लगा आपने कभी सोचा था आपने मुन्नी बदनाम के बाद पिंकी जिया के बाद कभी सोचा था कि रंग भी बरसेगा कभी रंग भी बरसेगा बताओ ना आपको कैसा लगा बहुत बहुत मजा आया एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि यू ऑल आर लाइक सुपर क्यूट मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यार यू आर सो कोऑपरेटिव मतलब समझाने में 10 घंटे लगते कभी कभी किसी किसी को कि भाई कॉन्सेप्ट ये है ये है ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ फ्रीली इन लोगों ने बोला हमें ये ऐसा करना है ये ऐसा करना है और मैंने भी फ्रीली बोला लिबर्टी मतलब वी फेल्ट लाइक स्कूल डेज में क्या होता है कि देखो भैया पिकनिक करेंगे तू अपने घर से ये वाला टिफिन लाना प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स जो भी ऐसे होने चाहिए जो मेकर्स होने चाहिए जो आर्टिस्ट को लिबर्टी दे और हमें तो बहुत लिबर्टी हमें बहुत लिबर्टी मिली और जब हमें लिबर्टी मिलती है तो प्रोडक्ट आप देख ही रहे हो कैसा बनता है कितना अच्छा आता है उसमें मजा आता है पॉजिटिविटी में ऑल इन सेलिब्रेशन का मौका है क्योंकि ऑल तीनों सॉन्ग या बैक टू बैक यस यार 3 हमारा लकी नंबर है ये तो जाने वाला था ही नहीं पता है मैं इतना हम लोग इतने नर्वस थे क्योंकि वे 3 तिगाड़ा है और 3 सॉन्ग्स तो ऐसा लगा अगर यार कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो बहुत बुरा लगेगा बट कोई ऊंच नीच का पापड़ा नहीं हुआ नहीं हुआ कोई ऊंच नीच का पापड़ा और रही बात सेलिब्रेशन की तो आगे से सेलिब्रेशन ही और हम अरे खेलते थे ना ऊंच सॉरी कोई ऊंच नीच का पापड़ा नहीं खेलते थे बचपन में ऊंच नीच का पापड़ा दिल्ली में खेलते थे ओके यार नई चीज सीखने मिली समीक्षा से हमें ऊंच नीच का पापड़ा ये हमारा अगला यूट्यूब वीडियो है तो हम लोग सेलिब्रेट तो वैसे कोई चीज़ हमारी करते नहीं है बिकॉज हमको लगता है कुछ चीज़ सेलिब्रेट करते तो हमारा वो पुश नहीं कर पाएंगे तो हम उल्टा सेलिब्रेशन से ज्यादा वो वक्त हम और मेहनत लगाने में अभी हमको ऐसा है कि हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे भी ग्रैंड करेंगे हमारा हमारा हमारी सेलिब्रेशन जो है हमारा वर्क ही है मैं तो बोला था यार 3 बना लो यार चौगाड़ा मतलब पोचो गाड़ा तारा
सर सॉरी बहुत मजा आ रहा है ये तो ये मुझे मैं अपने कमरे में जाके खुद को बंद कर लूंगी इन दोनों की शक्ल देखने के लिए हम खेलेंगे इस बार हम दया की तरह दरवाजा तोड़ेंगे मैं तो क्या करने वाला हूँ मेरे को होली का तो इतना शौक है होली का इतना शौक है लेकिन इस बार ही मेरे हिसाब से हाँ मैं तो घर में खेलूंगा घर वर में लगाऊंगा फ्रेंड लोगों को घर पे लगा क्योंकि इस हिसाब से मोदी जी ने मैं खुद मना कर दिया है कि होली मत खेलो इस बार नहीं सेफ होली तो गुलाल से खेल सकते हैं आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग एंड सो फार 2020 में ये होली का सबसे बढ़िया गाना है द वीडियो इज अमेजिंग एंड ममता जी की आवाज़ तो अब अगर राम जी को पसंद आ गया सोचो पूरी दुनिया बोलती है हे राम हे राम राम जी को पसंद आ गया तो गाना है एब्सोल्युटली लव हर एंड शी इज सो वर्सेटाइल वो जो गाना गाए उसे अपना बना लेती है एंड तीन तगाड़ा के बारे में तो क्या कहें दे आर मैजिकल एंड आई थिंक ये हैट्रिक होगी इनकी आज तीसरा गाना ट्रेंडिंग में है मतलब नाम एकदम ऑपोजिट है इन लोगों का ये तिगाड़ा बिगाड़ा वाले नहीं है बिल्कुल तीन तिगाड़ा काम सवारा तो रामजी पाजी आर यू प्राउड ऑफ अस आर यू प्राउड ऑफ अस आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ अच्छा आपने ये गाने में हमें एक अलग रूप में देखा आपको कैसा लगा मेरे को तो बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक व्हाटएवर कैरेक्टर मेड बी है और रोमांटिक ट्रैक सैड ट्रैक मैंने इनके हर गाने देख लिए आज यही कसर बाकी थी पार्टी नंबर में इनको डांस करते हुए देखना और जो एंट्री सबकी एंट्रीज लाइक सुपर्ब यू नो द वे विशाल स्टार्ट जो चश्मा लगा के और ये जो और समीक्षा का स्टार्टिंग स्टेप आई थिंक वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड सुपर्ब मजा आ गया फील कर कर के आई लव दैट नहीं बहुत ही हाई एनर्जी सॉन्ग एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज इन लव विद इट ऑलरेडी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।